इन दिनों चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का एक बयान खूब सुर्खियों में है, जिसमें वह कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को खरी खरी सुना रहे हैं। इसके साथ ही प्रशांत किशोर केंद्र में भाजपा की सरकार को लेकर भविष्यवाणी करते हुए भी दिखाई दिए, जिसके चलते वह सोशल मीडिया पर खूब वायरल और ट्रेंड में आ गए। तो सुनिए आखिरकार प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है। Once you secure 30% plus vote at India level, you are not going away in a hurry. So do not ever get into this trap that people are getting angry and they will throw away Modi. Maybe they will throw away Modi, but BJP is not going anywhere. They are going to be here. You have to fight it out for next many decades. It's not going in a hurry. इस वीडियो में प्रशांत ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से 40 साल पहले तक कांग्रेस सत्ता का केंद्र रही, उसी तरह भाजपा भी सत्ता के केंद्र में बनी रहेगी, चाहे चुनाव हारे या जीते। उन्होंने आगे कहा कि एक बार जब कोई राष्ट्रीय स्तर पर 30% वोट हासिल कर लेता है तो इतनी जल्दी राजनीतिक तस्वीर से नहीं हटता। बता दें कि यह बात प्रशांत किशोर ने एक अंग्रेजी अखबार से कही है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी के बारे में कहा कि वह जैसा समझते हैं वैसा होने वाला नहीं है। शायद उन्हें लगता है कि बस कुछ समय में लोग नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।